विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर की सामान्य पाठ्य पुस्तक अधिगम हेतु आकलन के अंतर्गत इकाई तीसरी अधिगम नहीं आकलन मूल्यांकन के संदर्भ में, आकलन मूल्यांकन के संदर्भ के अंतर्गत ये हमारा जो राष्ट्रव्यापी चल रहा है वो है सृजनात्मकता। मतलब सृजनात्मकता है रचनात्मकता, मतलब विद्यार्थी किसी कार्य के प्रति किस प्रकार रचनाएं प्रस्तुत करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें हमने पढ़ा था कि सृजनात्मकता का अर्थ पढ़ा था, सृजनात्मक अर्थ क्या होता है कि सृजनात्मकता एक रचनात्मक कला है जो किसी वस्तु कला साहित्य के संबंध में किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए कुछ नया रचते या उसमें कुछ नया आविष्कार करते हैं या उसमें पुनः सृजित प्रक्रिया करने की होती है। ये एक मानसिक प्रक्रिया है, ये मानसिक संक्रिया है जो भौतिक परिवर्तनों को अपने आप में करता है, जन्म देती है, बदलने को जन्म देती है। मतलब कि सृजनात्मक जब हम किसी वस्तु या घटना के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में विचार आते हैं कि ये ऐसा हुआ कैसे, मतलब मन मस्तिष्क के अंतर्गत अनेक प्रकार के विचारों का प्रादुर्भाव उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने के बाद जब हमारे व्यवहारिक रूप में प्रदान करते हैं तो उसके पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये हो कि हम जब भी कोई बात करते हैं तो सार्थकता और निर्धारकता के साथ में रखते हैं, उसकी पहचान करते हैं। तो हम जैसे एक हमने मैंने अगर उदाहरण बताया था कि जेम्स वॉट एक वैज्ञानिक था, जेम्स वॉट एक वैज्ञानिक था, उसने एक किसी के घर जाकर जहाँ चाय दूसरे घर से एक आवाज आई और आवाज आने आई और सुना और जहाँ घर देखा तो चाय की कैंटी का ढक्कन भाप से ऊपर बार बार ऊपर था और बार बार नीचे गिर रहा। एक सामान्य व्यक्ति के लिए वो एक सामान्य सी घटना थी, परंतु सृजनात्मक व्यक्ति के लिए वो एक सृजनात्मक चिंतन का विषय था कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो कहने के मतलब कहा कि सृजनात्मक चिंतन की ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है जेम्स वॉट की सोचने से कि भाप में कितनी शक्ति है। तो उसके लिए एक कैदी के ऊपर उन्होंने इस ढक्कन के ऊपर उन्होंने पत्थर रख दिया जिससे उस भाप की शक्ति का क्या होता है वो प्रश्न करना चाहते थे कि इसके अंदर कितनी शक्ति है। इस प्रकार जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। तो ये हमने पढ़ा था, उसका अर्थ पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि प्राप्त की जाती है, मतलब हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो कहने वाला है कि सृजनात्मक विभिन्न प्रकार की विवेचनाओं से श्रेणी में पाई जाती है जो सीमित व्यक्ति तक न होकर बल्कि सभी व्यक्तियों के अनुरूप होती है, क्योंकि सबका एक शरीर जैसा है मगर सोचने समझने की बुद्धि है वो सभी जैसे ही अलग है। तो सृजनात्मक है एक जटिल प्रक्रिया है जिससे जिस समय जिस स्थान जिस व्यक्ति से बाधा हो जाता है वह इसका प्रादुर्भाव कहीं भी किसी भी वक्त कर हो सकता है। कि आपसे प्रश्न पूछा है इसका जवाब दीजिए, कहने हम लोग हैं कि सृजनात्मकता का जो विकास है जीवन प्रत्न है, कैसा है जीवन प्रत्न है पहले से संबंधित है, इसके लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति के विषय की आवश्यकता नहीं होती है। सृजनात्मकता है वो हमारे एक उत्पादन की प्रक्रिया न होकर प्रक्रिया और सोपान है। सृजनात्मक चाहे मौखिक हो या लिखित हो, ये कहने का मतलब ये है। आज हम पढ़ने जाएंगे कि छात्रों के अंतर्गत इसी अगले टॉपिक के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सृजनात्मक विषय को पढ़ लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे छात्रों के सृजनात्मकता विकास क्षमता का विकास कि बालक के अंतर्गत उस क्रिया के प्रति रचनात्मक के प्रति उसमें तर्क सोच समझने की बुद्धि का जो विकास है वो किस प्रकार से हो सकता है। अनेक अध्यापक को उस विद्यार्थी के समक्ष कैसी बातें रखनी चाहिए जिससे उस प्रकरण के प्रति उस विषय के बारे में उस प्रश्न के बारे में विचार करें। तो आज हम पढ़ेंगे छात्रों में सृजनात्मक का विकास किस प्रकार से किया जाता है, डेवलप ऑफ आवर क्रिएटिव एबिलिटी एंड इंपल्स। कहना था कि छात्रों में सृजनात्मक चिंतन का जो विकास करने के लिए पाठ्यक्रम का स्वरूप सृजनात्मक गतिविधियों और विचारों से परिपूर्ण होना चाहिए। इसके मतलब बस पाठ्यक्रम में
हम जो प्रश्न जो पूछ रहे हो वो हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए, जिससे जिससे विद्यार्थी छात्र उस पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक विषय पर गतियों को सोचने के लिए प्रेरित प्रेरणा प्राप्त हो सके। इस प्रकार से मतलब ऐसे विद्यार्थी हम जैसे हम कोई पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तो पाठ्यक्रम तैयार करने से पूर्व हमें उस अध्यापक को उस पाठ के संबंधित रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है कि उद्देश्य क्या उसको होने चाहिए, हमारे प्रस्तावना प्रश्न किस प्रकार से होने चाहिए। तो एक प्रारूप में उस विषय से संबंधित उस अध्याय से उस प्रकरण के प्रति हमें एक छोटा एक प्रारूप तैयार करते हैं, उसे पाठ में लेते हैं। उसी क्रम को आगे भारत है कि वर्तमान समय में सर्वांगीण विकास करने के लिए छात्रों में सृजनात्मक चिंतन का विकास की प्रमुख रूप से आवश्यकता होती है कि बालक किसी न किसी विषय पर किसी न किसी प्रश्न पर विचार करे कि हमें करना क्या है, क्या होगा, मतलब उसके बारे में रचना हमें ये कर दिया ये क्या है, ये क्या है, इसका होता है प्रश्न होना चाहिए, पूछ रहे कि ये क्या है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सृजनात्मक चिंतन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित बनाने के लिए ये सबसे आवश्यक तत्व होता है सर्जनात्मक सत्ता का विकास। हाथों में सर्जनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में आवश्यकता संशोधन करना आवश्यक होता है कि विद्यार्थी कोई न कोई क्रिया को प्रतिक्रिया करे प्रतिक्रिया करे ये होना कैसे चाहिए। तो इसी संदर्भ में पढ़ेंगे कि सर्जनात्मक विकास छात्रों के सर्जनात्मक विकास को विकास हेतु विकास सर्जनात्मक कि छात्रों में सर्जनात्मक विकास के लिए उपाय तो छात्रों के सर्जनात्मक विकास के जो है वो निम्न उपाय कौन कौन से हैं इसके बता दें पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे नियम हैं, मैं आज के तक में हम सिर्फ दो या तीन के बारे में पढ़ेंगे। तो छात्रों के सर्जनात्मक विकास के लिए किन किन उपाय होते हैं, पहला आता है हमारा पाठ्य संबंधित पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को इस प्रकार की गतिविधियों को करने के लिए प्रेरणा प्राप्त
देनी चाहिए जो कि चिंतन व्यवहार से संबंधित होने जो छात्रों को भिन्न प्रकार की सोचने के लिए समझने के लिए अवसर उपलब्ध होना चाहिए। इस प्रकार के पाठ्यक्रम जो उपाय होना चाहिए, ये हमने इस पहले जो है छात्रों के सुविधा विकास के लिए पहले जो बताया हुआ पाठ्यक्रम संबंधी उपाय पहला मतलब पाठ्यक्रम संबंधी उपाय है कि बाल इस पाठ्यक्रम के जो प्रकरण या पाठ विषय वस्तु अध्याय हमारे एक अध्यापक के द्वारा उस पाठ को पूरा कर लिया जाता है, तो पूरा होने के बाद विद्यार्थी उस प्रकरण के पूरा ये अध्याय के पूरा होने के बाद पीछे एक अभ्यास प्रश्न देते प्रश्नावली दी जाती है, उस प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नों तक पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के बारे में विद्यार्थी चिंतन और मनन करे कि इसका आंसर इसका उत्तर प्रत्युत्तर क्या होगा, तो इस प्रकार के अवसर विद्यार्थियों को होने चाहिए। सेकेंड नंबर आता है सृजनात्मक शिक्षक की व्यवस्था करनी चाहिए। विचार विमर्श करेंगे और
और इस संबंध जो प्रकरण है पाठ है उस पाठ को पढ़ेंगे, उस पाठ को पढ़ने के बाद में विद्यार्थी इस प्रकरण के अंतर्गत विद्यार्थी को यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार जेम्स वॉट ने प्रत्येक घटना को जेम्स वॉट ने प्रत्येक घटना को तार्किक रूप से सोचने के लिए शक्ति का प्रयोग किया था, उसी प्रकार विद्यार्थी भी उस प्रकरण के संबंधित हर प्रकार की बातों को सोचने के लिए तर्क शक्ति का प्रयोग कर सकता है।